अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो सिर्फ तरफ करेंगे गाजियाबाद, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। भाइयों याद करिए, जब 2014 में मोदी जी आए थे तब देश के अंदर मात्र 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है और अकेले यूपी के अंदर 6 शहरों में मेट्रो आ चुकी है। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, अभी मेरठ के अंदर हम काम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जब मोदी जी आए थे 14 में तब केवल 7 एम्स थे, आज देश के अंदर 22 एम्स है। ऐसे ही कई गुना वृद्धि हुई है हर एक क्षेत्र में। ये इंफ्रास्ट्रक्चर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं, कोई तुलना ही नहीं। याद करिए, 2014 के पहले भूख से मौतों की शिकायत आती थी, मोदी जी आए, उन्होंने जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं बल्कि सबका साथ और सबके विकास के आधार पर पूरे देश के अंदर योजनाओं का लाभ देने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। बहनों भाइयों किस रूप में सामने है आप इस बात को देख सकते हैं। 80 करोड़ लोग पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्ष तक फ्री में राशन मिलेगा। याद करिए, 1947 में पाकिस्तान बना था, भारत को तोड़ करके पाकिस्तान बना, भारत की भूमि का ज्यादा भूभाग पाकिस्तान के लिए चला गया, एक बड़ा भूभाग गया, जितनी आबादी थी उससे ज्यादा भूभाग गया। लेकिन बहन और भाइयों आज पाकिस्तान, भारत जहां 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, वहीं पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी भूखों मरने की स्थिति में है, वहां भूख के नाले हैं। यह स्थिति आज पाकिस्तान की है। भारत के अंदर 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा और उत्तर प्रदेश में तो हमने ऐसी व्यवस्था की कि जिस व्यक्ति के पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं, विधायक, सांसद या पीड़ित स्वयं भी एप्लीकेशन बना के भेज देता है तो मोदी जी ने पहले से ही जनधन अकाउंट खुलवाए हुए हैं, हम सीधे पैसा उस पीड़ित के खाते में भेज देते हैं जिससे वो उपचार करा सके और किसी को भी उपचार के भाव में भटकना ना पड़े। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए, 12 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के एलपीजी के फ्री के कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बन जाना, 2.5 करोड़ घरों में बिजली के कनेक्शन मिल जाना, ढेर सारी ऐसी गरीब कल्याणकारी योजनाएं जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे बड़ी आबादी भारत के अंदर पिछले 10 वर्ष में गरीबी रेखा से मुक्त होकर के एक खुशहाल जीवन यापन कर रही है। बहन और भाइयों जो ये परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, देश के अंदर जो ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन का कारण केवल और केवल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों जो आपने कल अयोध्या में देखा भगवान राम का, भगवान सूर्य के द्वारा सीधे सीधे तिलक हो रहा है, पूरा देश और पूरी दुनिया देख करके उत्साही थी, उत्साह और उमंग में थी। 500 वर्षों के बाद रामलला को अपनी जन्मभूमि पर अपना जन्मोत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। बहनों और भाइयों मैं पूछना चाहता हूं, ये जो कार्यक्रम कल अयोध्या में हुआ, कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकारें होती तो क्या ये हो पाता है? क्या ये लोग कर पाते? क्या
राम मंदिर का निर्माण कर पाते क्या? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा पाते क्या? तीन तलाक की कुप्रथा को समाप्त कर पाते क्या? हर घर नल की योजना लागू हो पाती क्या? बहनों और भाइयों, ये सपा बसपा और कांग्रेस ने तो उत्तर प्रदेश को दंगा और कर्फ्यू की चपेट में ला दिया था। हर दूसरे दिन दंगा, महीनों महीनों कर्फ्यू। आज कर्फ्यू नहीं है, आज तो धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलती है। इस क्षेत्र में कोई रोक टोक नहीं। नौजवान के लिए आजीविका भी है तो आपकी आस्था का सम्मान भी है, विकास भी है तो गरीब कल्याणकारी योजनाएं भी हैं, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित हैं तो सुरक्षा का एक बेहतर माहौल भी दिया गया है। क्या ये सपा बसपा और कांग्रेस के लोग दे पाते? और इसीलिए मोदी जी ने कहा है कि बहनों और भाइयों, हमें विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश चाहिए और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने चाहिए। तो लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। कल पहले चरण के लिए मतदान होना है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। यूपी के 8 जिलों में कल होगा मतदान। तो वहीं आपको बता दें कि सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में मतदान होना है। बिजनौर, नगीना और मुरादाबाद में मतदान होगा। रामपुर और पीलीभीत में भी वोटिंग होगी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी पूरी तरह से तैनात किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। तो सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की बड़ी तैनाती की गई है भारी मात्रा में। कल पहले चरण के मतदान होना है। मतदान के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूपी के 8 जिलों में कल मतदान होना है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में मतदान होगा तो पीलीभीत में भी वोटिंग शुरू होगी। बिजनौर, नगीना और मुरादाबाद में भी कल पहले चरण में चुनाव देखा जाएगा। रामपुर और पीलीभीत में भी वोटिंग होगी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। यूपी के 8 सीटों पर कल वोटिंग होगा। सीटों का पूरी तरह से कल घमासान देखा जाएगा, समीकरण होगा सीटों का। पोलिंग पार्टी बूथों पर लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण का 8 सीटों पर मतदान होगा कल। होगा बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, ये वो सीट हैं। यूपी के 8 सीटों पर कल मतदान होगा। तो वही आपको बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी पूरी तरह से तैनात किया गया है। पोलिंग बूथों पर लगातार सुरक्षा की कड़ा पहरा देखा जा रहा है। तो पवन अग्रवाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुजफ्फरनगर से जुड़ चुके हैं। पवन, यहां पर जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कैसे इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ तस्वीर वहां पर देख पा रहे हैं आप? मुजफ्फरनगर में इस पर एक बूथ पर खड़ा हूं। ये देहात क्षेत्र का बूथ आता है और साथ ही संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ वेबकास्टिंग कैमरे लगे हुए हैं, जिससे डायरेक्ट सीधे लखनऊ में निर्वाचन आयोग मतदान को देखता रहेगा कि किस तरह के मतदान में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर ईवीएम की मशीनों की सुरक्षा करने में लगी है और जो फोर्स आएगी कल मतदान को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए, कल सुबह 4-5 बजे तक वो फोर्स पहुंच जाएगी। सुबह 7 बजे से मतदान है जो शाम को 6 बजे तक खुशबू चलेगा और लगातार मतदान कर्मी इस वक्त बूथों के अंदर है और अपनी तैयारियां कर रहे हैं। स्लोगन वाले लिख रहे हैं, आने आने का वो लिख रहे हैं, इधर महिला इधर पुरुष, और स्लोगन ये लिख रहे हैं कि आपको मतदान कैसा कर रहे हैं, कौन कौन से आपको मतदान करने के लिए जरूरी
कागजात चाहिएंगे और लगातार मतदान कर्मी इस वक्त दोनों बूथों के अंदर मौजूद है और ये जो मतदान स्थल है ये देहात क्षेत्र का संवेदनशील मतदान माना जाता है। ये जाट बहुल क्षेत्र आता है और लगातार यहाँ पे करीब 5,000 के करीब वोटिंग है जो कल मतदान करेंगे, अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। सभी सर्व समाज के लोग यहाँ रहते हैं और मैं आपको बता दूं लगातार आज सुबह 7 बजे से पोलिंग पार्टियां मुजफ्फरनगर के जो बेस कैंप बनाया हुआ नवीन मंडी स्थल वहां से लगातार रवानगी की जा रही है। पुलिस फोर्स के सानिध्य में पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान स्थल पर जा रही है जहां उनकी ड्यूटी लगी हुई है और देर शाम तक ये सभी पोलिंग पार्टियां अपने वहां पर पहुंच जाएंगी और अपनी तैयारियां पूरी कर लेंगी। खुशबू पवन, ईवीएम की अगर बात करें तो ईवीएम मशीनें किस तरह से वहां पर मंगाई गई हैं, किस तरह से वहां पर उनके लिए व्यवस्था की गई है क्योंकि गर्मी का मौसम है और ईवीएम अधिकतर खराब, जानकारी ये भी मिलती है कि खराब हो गया है, तो किस तरह की उसकी तैयारी की गई है वहां पर? ईवीएम मशीन पुलिस सुरक्षा में यहाँ आई थी, पोलिंग पार्टियां वहां से लेकर पुलिस सुरक्षा में गाड़ियों से आए हैं मतदान स्थल पर और जब हमारे डीएम से बात हुई अरविंद लोपा बंगारी से, उन्होंने कहा है अगर ईवीएम मशीन खराब होती है तो मुश्किल से मुश्किल 10-15 मिनट के अंदर दूसरी ईवीएम मशीन मतदान स्थल पर पहुंच जाएगी और जो मतदान कर रहे होंगे उनको दिक्कतों का सामना नहीं होगा। हालांकि गर्मी आज ज्यादा है और गर्मी के लिए व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा कराई गई है और ग्राम प्रधान जो होते हैं वो पूरा सहयोग करते हैं इस चीज के अंदर, बिजली पानी व्यवस्था का लगातार। खुशबू, ठीक है पवन अग्रवाल आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ लखनऊ से अनूप कुमार जुड़ चुके हैं। अनूप, चुनावी माहौल क्या है लखनऊ में, सियासी पारा किस तरह से चल रहा है? अनूप, आवाज मिल पा रही है क्या? देखिए खुशबू, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का कल सुबह चुनाव होना है। 9 जिलों के 8 लोकसभा सीटों पर 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी 5 बजे के आसपास भारत निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से माहौल है, क्या चुनाव आयोग की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं, उसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन इतना जरूर है अगर पिछले 2019 के चुनाव की बात करें तो इन्हीं 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2 सीटें थी, 3 सीटें थी और बीएसपी के पास 3 सीटें थी और 2 समाजवादी पार्टी के पास खाते में सीटें गई थी। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो, लेकिन लगातार आपने देखा भी होगा भारतीय जनता पार्टी के चाहे छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, लगातार हर चुनाव या हर सीट पर लगातार जनसभाएं कर रहे थे। पिछले 2019 की अगर बात करें तो उस समय समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी एक साथ थी। इस बार थोड़ा इन सीटों पर अगर बात करें थोड़ा परिवर्तन हुआ है क्योंकि आरएलडी इस समय एनडीए के गठबंधन में है। आरएलडी किसानों की पार्टी मानी जाती है, जाटों की पार्टी मानी जाती है और पश्चिम में ज्यादातर जाट किसान की बेल्ट है। मुझे लगता है कि भाजपा ने 2019 में जो डैमेज हुआ था उसको कंट्रोल कर लिया है। इस बार उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती नजर आएंगी। सभी 9 जिलों में जो मतदान स्थल बनाए गए हैं, करीब 7,689 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, उन पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। आयोग की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं, हालांकि बहुत घनघोर गर्मी की बात करें, मौसम बहुत गर्म है, इस वजह से पानी की व्यवस्थाएं, जो व्हील चेयर है, जो विकलांग हैं उनके लिए या फिर जो लंबी लंबी लाइनें कतार में जो खड़े होंगे उनके लिए बैठने की भी व्यवस्थाएं की गई हैं, छांव की भी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न हो और थोड़ा समय बढ़ाया गया है। तो तमाम सुविधाओं के साथ साथ इस बार चुनाव देखने वाली बात होगी कि किसका पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन कल जब सुबह इन 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा तब भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों के साथ साथ बाकी की सीटें हैं उस पर निगाह लगी हुई है। तमाम पार्टियां, चाहे कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी के गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, पूरी कोशिश कर रही कि उसकी 3 सीटें जो पिछली 2019 में आई थी उसके बाद उसको प्लस करे, बढ़ाए। समाजवादी पार्टी के साथ इस बार जो बीएसपी है अलग चुनाव लड़ रही है, तो त्रिकोणीय श्रृंखला है, इस बार त्रिकोणीय चुनाव है, त्रिकोणीय टक्कर होने वाली है। फिलहाल अब जनता किसको मत देगी, फिलहाल चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतने का,
तो कल अग्नि परीक्षा होगी, खासकर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कैराना, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत ये सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। पीलीभीत वरुण गांधी के पास लंबे असर से रही है, चाहे उनकी माँ मेनका गांधी उस सीट पर लड़ चुकी हैं, वो भी जीत हासिल की थी। इस बार टिकट बदल गया है, जितिन प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर प्रत्याशी बनाया है। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद प्रधानमंत्री खुद वहां पर गए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो बेस वोटर है वो उसको और वहां के वर्तमान हालातों को देखते हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वहां पर पहुंचे हैं। मुरादाबाद, सहारनपुर की बात करें, इन पर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश इस बार किया है कि वो जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पाले में आए। मुजफ्फरनगर भारतीय जनता पार्टी की वहां पर पिछली बार 2019 पे जीत कर आई थी, हालांकि इस बार थोड़ा विरोध वहां पर कहीं छुटपुट देखने को मिला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया है। अब कल चुनाव होना है, ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी खुशबू कि वहां की जनता किसको पसंद करती है, किसकी अग्नि परीक्षा वहां पर सीटों पर होगी और किसके प्रत्याशियों की वहां पर बढ़त बनाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना था कि पहले चरण की 8 सीटों पर जो चुनाव कल होगा उस पर भारतीय जनता पार्टी 8 की 8 सीटों पर विजय हासिल करने जा रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है फिलहाल चुनाव परिणाम ही बताएगा खुशबू जी। अनूप, आप जनसभा को भी कवर कर रहे थे, रैली में भी जा रहे थे, मतदाता में उत्साह किस तरह से, मतदान करने के लिए मतदाता क्या भारी संख्या में निकलेंगे या फिर पिछले से जो आंकड़ा है प्रतिशत रहा है वो बढ़ेगा या फिर उसको कम देखा जाएगा, किस तरह का उत्साह देखा गया है मतदाता में? आवाज नहीं आ रही। चुनाव में गर्मी ज्यादा थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन मतदाताओं का रुझान सुबह सुबह ज्यादा रहता है, जो 9-11 बजे तक की जो वोटिंग होती है वो उसका प्रतिशत ज्यादा कम होती है, फिर उसके बाद 4 बजे के बाद जो लाइन है वो लंबी लंबी लग जाती है। तो हालांकि देखने वाली बात होगी जो यूथ है मतदाता जो बात पहली बार वोट डालेगा, खासकर देखने को मिलता है वो सुबह सुबह लाइन में लग जाता है, जो बुजुर्ग है कोशिश करते हैं परिवार के लोग उनको बुजुर्ग डाता है उनसे पहले वोट डलाएं, लेकिन इस बार 75 साल के ऊपर वाले जो वोटर्स हैं बुजुर्ग हैं उनके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सुविधा जारी की है कि उनको पहले बताना पड़ेगा और बैलेट पेपर से उनमें घर से भी वोट डाल सकते हैं। तमाम सुविधाओं के साथ इस बार पोलिंग परिषद, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आयोग का मानना है कि पोलिंग परिषद बढ़ेगा और लगातार प्रचार प्रसार हुआ है, इस बार देखने वाली बात ये की है जो सीटें हैं उनमें से 60% से ज्यादा इस बार वोटिंग होगी, इस बार उस आंकड़े को पाएंगे या फिर नहीं पाएंगे फिलहाल कल के बाद जानकारी मिलेगी। शाम तक कितना प्रतिशत वोट हुआ है, साथ साथ जो बुजुर्ग या महिला या फिर जो यूथ है वो कितने प्रतिशत निकल कर वोट डाला है जी। पवन अग्रवाल, आपके पास आते हुए पवन, किस तरह की वहां पर लगातार जिस तरह की आप बात कर रहे थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन पोलिंग बूथ की अगर बात करें वो किस तरह से वहां पर सुरक्षा किए गए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी के मद्देनजर किस तरह की व्यवस्थाएं और कंट्रोल रूम में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? खुशबू, बात बूथ की अगर सुरक्षा की बात करें तो कई लेयर की सुरक्षा है, यहाँ लोकल पुलिस भी है और आरपीएफ, सीआरपीएफ, पीएससी, पीएसएफ भी मौजूद रहेगी, बाहर से एसएसपी मुजफ्फरनगर ने फोर्स मंगाई है। और उसके साथ साथ कंट्रोल रूम की अगर बात करें तो कंट्रोल रूम का जिम्मा एडीएम एफ गजेंद्र सिंह और एडीएम ई नेत्र बहादुर को सौंपा गया है, जो दोनों कंट्रोल रूम पर मौजूद रहेंगे और कंफर्म की खबर चुनाव आयोग को भेजते रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो अभी तो चुनाव से पहले का दिन है, यहाँ पे व्यवस्था बनाई जा रही है, कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा तो जो फोर्स आनी है वो कल सुबह तक मतदान से पहले तक पहुंच जाएगी। और सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ एक सिंगल गेट है, यहीं से एंट्री होती है मतदान करने वाले की और यहीं से बाहर निकासी होती है, तो यहाँ पर गेट पर 4-5 जो सीआरपीएफ के जवान है वो रहेंगे, बाहर फोर्स रहेगी, 200 मीटर के दायरे के अंदर किसी को भी आने जाने पर पाबंदी है, केवल मतदान करने वाला ही अंदर आएगा, कोई भीड़ नहीं लगेगी। और जो बस्ते होते हैं प्रत्याशियों के पार्टियों के वो 200 मीटर के दायरे के बाहर बस्ते लेकर बैठ रहेंगे लोग, पुलिस फोर्स 200 मीटर के एरिया को पूरा कवर कर लेती है। पवन, जो बुजुर्ग मतदाता है उनके लिए खासा किस तरह का व्यवस्था किया गया है, गर्मी चरम सीमा पर है और उसको देखते हुए बुजुर्ग मतदाता किस तरह से वोट करेंगे, समय क्या होगा
उनके लिए कोई समय क्या निर्धारित किया गया है? हाँ खुशबू, पहले तो मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर प्रशासन ने पहली बार बुजुर्ग मतदाताओं को घर घर जाकर पहले ही मतदान उनसे करा लिया है कि चुनाव आयोग का निर्देश था कि जो बुजुर्ग है वो अपने घर पर रहकर ही मतदान कर सकेंगे, जिसे पुलिस प्रशासन के अधिकारी या सरकारी कर्मचारी मतदान के दिन से पहले ही मतदान करते हैं। इसी तरह बुजुर्गों के लिए रियायत दी गई है। प्रशासन का एक अमला होता है निर्वाचन आयोग के का, वो जाता है बुजुर्ग के यहाँ, वो उसे वोट डाल लेते हैं बुजुर्ग। रही बात व्यवस्थाओं की, तो यहाँ पर बुजुर्ग अभी तक प्रशासन के द्वारा यहाँ तक तो कोई व्यवस्था की अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो भी व्यवस्था होगी बुजुर्ग को लाने ले जाने के लिए यहाँ पे ट्राई साइकिल होती है, दिव्यांग साइकिल होती है, उससे बुजुर्गों को लाने ले जाने की व्यवस्था प्रशासन हर बार भी करता है और शायद इसकी अबकी दफा भी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी के लिए यहाँ पर अभी तक टेंट वगैरह की व्यवस्था तो नहीं, लेकिन कल सुबह जब मतदान होगा तो शायद यहाँ टेंट वगैरह भी लग जाएगा। खुशबू बहुत बहुत शुक्रिया, पवन अग्रवाल और अनूप कुमार, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे, बड़ी जानकारी बड़ा अपडेट आपके सामने। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है, बड़ी जानकारी बड़ा अपडेट, प्रदेश सह समन्वयक ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है, तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी में शामिल हुए हैं विकास अग्रहरी, तो ये बड़ी जानकारी बड़ा अपडेट। तस्वीर भी सामने आ गई है किस तरह से स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है अमेठी से, ये दिखा रहे हैं आपको। प्रदेश से समन्वयक ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है, बीजेपी में शामिल हुए हैं विकास अग्रहरी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ज्वाइन करवाया है अमेठी से, आपको ये बड़ी जानकारी बड़ा अपडेट दे रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे, बड़ी जानकारी बड़ा अपडेट आपके सामने। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी का बीजेपी पर निशाना देखा क्या है, विकास अग्रहरी के बीजेपी ज्वाइन करने पर बोले हैं, बयान सामने आया है, बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं रही है, दीपक सिंह की ओर से कहा क्या है, अपराधियों की तरह काम कर रही है बीजेपी। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए राजनीतिक पार्टियां यहां पर देखी जा रही है। इसी कड़ी में विकास अग्रहरी के बीजेपी पर तंज देखा क्या हूं, भारतीय जनता पार्टी अब लोकतांत्रिक पार्टी नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी अपहरण करता अपराधियों तरह काम करता पार्टी हो गई है। मुझे उस नौजवान विकास पर भरोसा है कि वो भाजपा में तो नहीं जा सकता, उसे जबरन पकड़ा जा सकता है, जबरन उठाया जा सकता है, उसे अपहरण करके भाजपा का पट्टा पहनाया जा सकता है, लेकिन उसके दिल में अब फिर से भाजपा नहीं भरी जा सकती। उसने मुझसे जब 2019 चुनाव के बाद भाजपा छोड़ कांग्रेस में आया था, उसने कहा था कि मैं अब आजीवन राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी का संघर्ष का साथी बनकर रहूँगा, कांग्रेस में रहूँगा। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे, बड़ी जानकारी बड़ा अपडेट। विधायक इरफान सोलंकी पर शिकंजा कसा है, जब्त की जाएगी सपा विधायक की संपत्ति, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर, कानपुर मुंबई की संपत्ति जब्त करेगी ईडी, तो महाराजागंज जेल में सपा एमएलए से पूछताछ भी हुई है। विधायक इरफान सोलंकी पर एक बार फिर से शिकंजा कसा है, विधायक की संपत्ति जब्त की जाएगी, कानपुर मुंबई की संपत्ति जब्त करेगी ईडी, ये बड़ी जानकारी बड़ा अपडेट। महाराजगंज जेल में सपा एमएलए से पूछताछ भी हुई है। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।